हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V29e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है कभी भी स्लो चार्जिंग होता है ना, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, आप कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए हमेशा जो है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वाला जो चार्जर होता है ओरिजिनल, वही आपको यूज करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी जो है किसी दूसरे मोबाइल फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए, तो उससे जो है ना स्लो चार्जिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है हमारे फोन को जो है अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग की कमी आती है। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ना, तो आपको अपने फोन को चार्जिंग पर लगा के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, काफी सारे लोग जो है अपने फोन को चार्जिंग पर लगा के इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो है मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अब दोस्तों देखिए मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका मोबाइल फोन जो है ना स्लो चार्ज होता है, तो आपको अपने फोन को जो है ना एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा। ठीक है, इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, मोबाइल स्लो चार्ज होता है, ऐसी बहुत सारी कमियाँ जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है, देखिए आपको है ना अपने मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है, आपके मोबाइल फोन के नीचे की साइड जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना मोबाइल फोन को चार्ज करने का, इस चार्जिंग पोर्ट को आपको जो है हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि इस चार्जिंग पोर्ट के अंदर जो है ना हमारे जो है धूल मिट्टी चिपक जाती है, ठीक है ना, इससे भी स्लो चार्जिंग की दिक्कत आती है, तो आपको इसे हल्के हाथों से अपने मोबाइल फोन के चार्जिंग पोर्ट को साफ कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो देखिए मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, आपको इसे टैप कर देना है, इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। ठीक है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए, तो आपके मोबाइल फोन में जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।